जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने करण सिंह उजियारड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उजियारड़ा को टिकट मिलने पर लोगों ने उनके कार्यालय पर मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि करण सिंह उजियारड़ा दिल्ली में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार राजस्थान में घोषित कर दिए हैं। मंगलवार शाम को जारी लिस्ट में जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह उजियारड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उजियारड़ा के सामने भाजपा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राजपूत समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उम्मीदवार थे, जिन्हें हराकर गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद बने। करण सिंह पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी वह सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इस बार राजपूत समाज का ही प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतारने की वजह से इस सीट पर अब रोचक समीकरण हो गए हैं। ऐसे में यहां पर जाट विश्नोई सहित अन्य जातियों पर दोनों पार्टियों की निगाह रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो माँ आशा पुंडा के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि हमको माँ आशा पुंडा ने इतना लायक बनाया कि हम जोधपुर की जनता का सेवा कर सके। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 25 वर्ष निकल चुके ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से लेके, वो लड़ाई जब सामाजिक न्याय मंच से चालू हुई थी तब से लेके उसके बाद निरंतर हर जगह कैसे सोशल वर्क कर सके, कैसे जनता के लिए काम आ सके। मेरे फादर साहब करण सिंह जी उचाड़ा साहब जोधपुर के पूत हैं, हमारे पूर्वजों ने जोधपुर के लिए जान दी है और अभी भी हम इससे कमिटेड हैं कि 100% जोधपुर की जनता के लिए, जोधपुर के लिए ही काम करेंगे और जहां कोई लोग हमको याद करेंगे वहां पहुंचेंगे। बड़ी संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा योगदान समझा है। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद, राहुल गांधी जी का धन्यवाद, सचिन पायलट साहब का धन्यवाद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद कि हमको इस लायक समझा और हर जी तोड़ से पूरी का पूरा दम लगा देंगे और जोधपुर की जनता की सेवा के लिए निरंतर कोशिश करते रहेंगे। कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं आप? आपके सामने भी सशक्त उम्मीदवार है बीजेपी के। देखिए, वो अपनी जगह मजबूत है, हम अपनी जगह मजबूत हैं। लोग जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम निकलेगा उनकी भी कीमत जानेंगे, हमारी भी कीमत जानेंगे। जनता ने पिछली बार भी देख लिया, 10 साल से देख ही रही है क्या किया है उन्होंने जनता के लिए, और अब जनता ने अगर हमें इस बार चांस दिया तो जनता देखेगी आगे की, आगे आने वाले सालों के लिए श्री करण सिंह जी उचाड़ा जोधपुर की जनता के लिए क्या करेंगे।